अस्सलाम वालेकुम चाहत फतेह अली खान की फैमिली, कैसे हैं आप सब? अबे साले, जो माफ करना, मैं इधर तमीज से मैं इधर उधर निकल जाता। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं खच्चत करवाने के लिए आया हूँ तारेजर आर्ट सलोन EME सोसाइटी के अंदर। लें दोस्तों, आते साथ इन्होंने हमें मैंगो जूस पिला दिया है, बड़ा मज़ा आया पी के। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने वेलकम किया, हम फर्स्ट टाइम आए थे इनके पास। कुछ पूछा मैंने। तो दोस्तों, ये मेरा भतीजा है, भाई का बेटा। ये देखें, ये क्यूट सा बच्चा। अभी तो ये ज़रा खुश हो रहा है, हाय कर रहा है आप सबको। वो कुछ देर में इसके बाल कटेंगे ना, तो ये देखें फिर आपको रोता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, ये EME सोसाइटी में है ये शॉप, द रेजर आर्ट। और ठीक है समरिया, और ये नंबर भी लिखा हुआ, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा भतीजा अब मुझे खींच रहा है, कह रहा है मुझे अपना मोबाइल दो, मैंने गेम खेलनी है इस पर। मैंने कहा अपने पापा से ले लो, वो तो कॉल पे बिजी था। कहता नहीं मैंने गेम खेली। मैंने कहा यार गेम तो आपकी ना होने वाली, चाची मेरे साथ खेल के चली गई है। लें दोस्तों, जूस के बाद अब इन्होंने खाना वगैरह मंगवा लिया, दही भल्ले बिरयानी वगैरह। इन्होंने हमें काफ़ी फोर्स किया कि खाएं। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा, मैं बस दो तीन प्लेट्स जो हैं वो चखूंगा। तो वो बस मैंने खा खू के तो आराम से, मैं तो भाई साइड पर बैठ गया। मैंने कहा अब कोई और ना आके बैठ जाए मेरी जगह। तो ये बाकी तो मेरा भाई और भतीजा तो खा रहे हैं आराम से, मैं इधर साइड पे बैठ के बोर हो रहा। मैंने कहा कब ये फ्री होंगे, कब मेरा नंबर आएगा। ले फाइनली मेरा नंबर तो आ गया मुझे। तो दोस्तों, ये भाई ने मेरा खच्चत कर दिया। मैंने कहा यार मुझे बस गोरा कर दो। फिर इसने एक वाइट कलर का वाइट सीमेंट लिया, उसने मेरे मुँह पर लगा दिया। उसने कहा अब इसको मैं कुछ देर के लिए छोड़ देता हूँ, ये सूख जाएगा, फिर आप गोरे हो जाओगे। तो मैं बस अब इसके सूखने का वेट कर रहा था। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी थी, क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही थी, मुझे उम्मीद थी मैं गोरा आ जाऊंगा। ये दोस्तों, ये मेरे फ़ैन है, तो इसने फिर एक और लड़के को बुलाया, वो भी मेरा फ़ैन है। कहता मैं आपके व्लॉग देखता हूँ, जो कि आजकल चल नहीं रहे। तो कहता कोई नहीं, अंगूठा दिखाता हूँ, चल जाएँगे। फिर ये दोस्तों, इन्होंने ये पांडे जैसी नाक मेरे मुँह पर लगा दी। अरे कहना क्या चाहते हो? कहते हैं कि आपके ब्लैक हेड्स दूर हो जाएंगे इससे। तो ये देखें, मेरा भतीजा फिर से आ गया मुझे तंग करने के लिए। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, कर लो तंग, उंगलियां दिखा लो, इसके बाद तुमने रोते हुए नज़र आना है मुझे। तो बस अब मैं वेट कर रहा था कि ये सूखे और ये उतारें, फिर मैं मेरे चेहरे से नूर निकले। तो ये फिर मैं पंखे के नीचे आके खड़ा हो गया। मैंने कहा चलें यार ये सूख जाए जल्दी जल्दी। तो बस ये सूख गया। अब ये देखें, ये आ गया इसका नंबर, जिस वक्त का मुझे इंतज़ार था बेताबी से। वो वक्त आ गया। तो दोस्तों, ये काशिफ भाई हैं, ये इनका ही सलोन है द रेजर आर्ट। इन्होंने मेरे भतीजे की कटिंग की, तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी कर दें हम निकलें। तो बस उन्होंने कटिंग कर दी इनकी, ये बाकी कस्टमर्स भी काम करवा रहे थे, हम फिर वहाँ से निकल आए। तो यहाँ से फिर भतीजे के लिए कुछ खाने के लिए लिया, रो रहा था। मैंने कहा चलें इसको कुछ खाने के लिए ले देते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब हम घर आ गए हैं, और इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और ये देखें मेरी बाइक भी देख लें जाते जाते। अल्लाह हाफिज़। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।